हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर वीडियो एंड अनदर ब्लॉग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि आज ये वीडियो ब्लॉग कम न्यूज़ कम सब कुछ होने वाला है, सब कुछ इसमें मिक्स करने वाला है। मिक्स इन द सेंस ये कि इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देंगे और हल्का फुल्का आप लोगों से बात भी करेंगे, क्योंकि एक ही बात बोल बोल के मैं भी परेशान हो गया और आप लोग भी परेशान हो गए। तो मैं अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ अलग देना चाहता हूँ, आज कुछ अलग बात करेंगे और आज की इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। गाइज, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं लगभग, और दिन है आज जुम्मा का। अभी थोड़ा सा मैं बाहर आया था कि मेरी जो शिफ्ट है वो चलती रहती है, मेरी कभी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो काम है वो सुपरमार्केट का है। वो वीक ऑफ होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई परमानेंट छुट्टी नहीं होती यहाँ पर, ठीक है? तो जो लोग सुपरमार्केट के बारे में सुपरमार्केट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो वो ये चीज़ समझ लें कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ होती है। सारे लोग यहाँ पे आपको छुट्टी में मिलेंगे, ठीक है, कोई नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप जा रहे होंगे जॉब पे, ये चीज़ होती है। जहाँ पे आप शेयरिंग में रह रहे होंगे वहीं वहाँ पे भी यही सीन होगा कि सारे लोग सो रहे होंगे, सबकी छुट्टी होगी, लेकिन आप नहा धोके कपड़े सपड़े पहन के आप जो है अपनी शिफ्ट पे जा रहे होंगे। तो यार, अगर हम अपडेट के बारे में बात करें तो बताने का मन नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि यार जो अपडेट देखने आए मुझे अपडेट दो। भाई मेरे जान के क्या करोगे अपडेट, मेरे दोस्त, अपडेट जान के क्या करोगे? अपडेट तब अच्छा लगता है बताने में जब कोई अच्छी हो, या फिर कोई सेंसिटिव अपडेट हो, या फिर कोई अपडेट में ऐसी चीज़ हो जो नई हो, तो फिर उसे एट द टाइम अपडेट करने में मज़ा भी आता है। अब यार हर दो दिन में अपडेट चेंज हो के, यानी कि सेम अपडेट, जैसे कि अनटिल फॉर द नोटिस दिस डेट, अनटिल फॉर द नोटिस दिस डेट। आज इस एयरलाइंस ने अनटिल फॉर द नोटिस किया, कल उस एयरलाइंस ने अनटिल फॉर द नोटिस किया, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जीसीसी की तरफ से अनटिल फॉर द नोटिस पहले ही कह दिया गया था कि भाई हमारी तरफ से कोई कन्फर्म डेट नहीं है, जैसे कोई कन्फर्म डेट होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये एयरलाइंस आपको डे पर डे अलग अलग डेट देती जा रही थी, ठीक है? ये अनटिल फॉर द नोटिस और 7 अगस्त की ये जो भी अपडेट हैं, ये मैंने एट दी टाइम देख ली थी, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। यानी उनको रोज़ रोज़ यही चीज़ बता बता के कि भाई अनटिल फॉर द नोटिस हो गई है, ये डेट बता दी गई है, फॉर द नोटिस हो गई है, ये डेट बता दी गई है। और ये चीज़ आज से नहीं, ये 24 अप्रैल से हो रही है। 24 अप्रैल से सिर्फ और सिर्फ आपको तारीख मिल रही है, यानी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है, ठीक है? लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा इंसाफ नहीं मिल रहा किसी को, ये चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बड़ी हंसी खुशी से मैं कोई भी अपडेट बताता हूँ। यार क्या करें, आप बताओ मेरे को, आप रो रहे हो, वहाँ पे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, गए रो रहे हो, हाँ दुख है यार सबको, आपको भी है जितना आपको उतना मुझे भी है। और आपको क्या लगता है, मैं हर तीसरी चौथी वीडियो में अपने बारे में बता देता हूँ मैं कि यार जो ये जो सिचुएशन अभी आप लोगों की है ना, हॉलीडे में रह चुका हूँ यार, पिछले लॉकडाउन में मैं 9 महीने स्टक रहा हूँ, वैसे तो क्योंकि जो मेरा वैकेशन था वो प्लस जो वहाँ पे बैन हुआ था वो मिला के मैं 9 महीने रहा हूँ वहाँ पे इंडिया में, 9 से 10 महीने हो गए थे मुझे लगभग आते आते। ये देखो, ये भी सुपरमार्केट है और ये पीछे भी लोग जो है अपना काम कर ही रहे हैं। तो यार ये सीन होता है यहाँ का। तो यार फाइनल अपडेट यही है कि अभी डेट का कोई कंफर्म नहीं है। भाई मेरे जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में है, अपने रोज़गार ढूंढने की कोशिश करो यार, क्योंकि ना अपडेट है इस बारे में, ना आने की कोई उम्मीद है। अभी उम्मीद यही है कि अनटिल फॉर द नोटिस डीसीसीए की तरफ से कहा गया है, अब वो कितने दिन बात करते हैं इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है? और एयरलाइंसों का क्या है, वो तो आपको देते भी, इमरस का तो अभी भी 7 अगस्त तक उन्होंने बोल रखा है, इमरस एयरलाइंस ने तो अभी भी 7 अगस्त तक बोल रखा है, ठीक है? लेकिन अब इतिहाद ने चेंज किया अपना रूल, उन्होंने कह दिया कि हम अनटिल फॉर द नोटिस तक सस्पेंड कर रहे हैं फ्लाइट्स। तो यार सी देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप लोग भी पैनिक ना होइए यार। अगर आप हैं वहाँ पे तो यहाँ पे अगर 20,000 कमा रहे हो, 10,000 कमाने की कोशिश करिए, अपने परिवार को देखिए, पैनिक ना होइए और उल्टे सीधे काम ना करिए। यानी कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के आने के लिए अगर आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपये, और कतर का भी आपने सीन देखा ही बीच में क्या हुआ है, ठीक है? लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल के लिए वापस कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ों का यार ध्यान रखें, ठीक है? तो अभी यार वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं खींचते हैं, छोटा सा बनाए वीडियो, और कोई नेक्स्ट वीडियो अगर बनता है तो बताएं। अगर आप लोगों को ब्लॉग के रूप में पसंद आता है तो मैं सोच रहा हूँ
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो।